नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर अपनी साइंस की कक्षा को लेकर आज के सत्र में। कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए आज का हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा ये सत्र रहेगा। तो आप हमारे ये प्रोग्राम पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख रहे हैं। तो और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम अपनी साइंस की कक्षा में पढ़ने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे विजन को पॉसिबल करता है, दैट इज लाइट। जी हाँ, तो आज हम लाइट पढ़ने वाले हैं कक्षा दसवीं के लिए छात्रों के लिए आज का हमारे ही सत्र, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो, आपकी किसी भी तरह की क्वेरी सत्र की रिगार्डिंग हो, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। एक और माध्यम है, आप ईमेल के द्वारा भी हम तक जुड़कर अपने प्रश्नों को पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। चलिए, तो आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो है प्रोफेसर गगन गुप्ता। सर इज़ वर्किंग एट DESM NCERT न्यू दिल्ली। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल, और बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया, जितने भी छात्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने प्रश्नों को तैयार रखिए, तब तक हम ये सत्र शुरू करते हैं। फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस पर फ़ोन करके आप अपने क्वेश्चन, किसी भी तरह की क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। सर आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया लाइट हमारा आज के सत्र का टॉपिक है। और हम सभी जानते हैं लाइट एक हमारे एवरीथिंग, हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें कितना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा इलैबोरेट करें कि डे टू डे लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम लाइट की क्या महत्व है या किस तरह से हम उसे परसीव करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और लाइट, यस, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेचुरल फिनोमिना है। और हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य से क्या, सूर्य हमारे लिए प्रकाश का प्रथम स्रोत है। कैसे प्राप्त होता है सूर्य से, मैं जो वहाँ पर सूर्य के अंदर जो नाभिकीय क्रियाएं हो रही है, जिसको कि हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के द्वारा वहाँ पर ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा का विकिरण हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हमारे पास तक पहुँचता है, पृथ्वी तक पहुँचता है, सारे ग्रहों पर पहुँचता है। वही प्रकाश जब हमें आसमान में दूसरे ग्रहों पर पड़ता हुआ दिखता है, तो हमें ग्रह नजर आते हैं। खैर, वो बात स्टार्स की है, मैं स्टार्स पर नहीं जाऊंगा। मैं आज हम बात करेंगे कि हम लोग लाइट को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो ये जो प्रकाश, जो विकिरण, जो रेडिएशन सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा है, वो बहुत बड़े, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है या उसकी जो आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ है, वो बहुत बड़े परास में फैली हुई है, बहुत बड़े रेंज में फैली हुई है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाता है, 3000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम्स, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर्स। ध्यान दीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट है, तो रफली 0.3 माइक्रोन, रफली 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, रफली 10000वां हिस्सा 0.1 माइक्रोन के बराबर होता है। और इस रेडिएशन से जब 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच के जो विकिरण है, उनको हम आम तौर की भाषा में लाइट कहते हैं, जिसको कि हमारी आंख देख सकती है। उस विकिरण को देखने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। हम सब, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, हम किसी और वस्तु को देख पा रहे हैं, उन सब में इस लाइट का बहुत उपयोग है। कैसे कि सूर्य से या किसी और स्रोत से निकलने वाली लाइट किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है और वहां से आकर के हमारी आंखों पर परावर्तन के माध्यम से आती है, और हमारी आंख तब उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस परसीव करते हैं। तो आज की जो हम चर्चा है, हम इसी बात पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे करूं, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखेंगे अभी थोड़ी देर में, कि कुछ यूट्यूब लिंक दिए हुए हैं। उन यूट्यूब लिंक को मैं एक प्ले करना चाहता हूँ थोड़ी सी देर को, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से हम इनको देख सकते हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, मैं इसको प्ले कर रहा हूं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि रोशनी, अभी देखिए ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है यहां पर टेबल के ऊपर, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है,
इस प्लेन मिरर पर अभी आप देखेंगे कि रोशनी पड़ेगी, देखिए वेल लाइट स्ट्राइक्स, ये लाइट आई, ये लाइट आई आपको और ये परावर्तित होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीजें अगर आप डार्क रूम में करेंगे तो आपको नजर आएंगी, आपको बिल्कुल नजर आएंगी डार्क रूम में। अभी आपको मैं और तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको और अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं आपको तरीके दिखाने की कोशिश करूंगा और उन तरीकों से आपको मालूम पड़ेगा कि लाइट को किस तरह से परसीव कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जरा देखिए, इधर से लाइट आ रही है और इधर की तरफ परावर्तित होकर लाइट जा रही है। तो आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल डार्क रूम में और किसी लेजर के माध्यम से करेंगे तो आपको ये लाइट बीम्स आती हुई और जाती हुई दिखाई देंगी। क्या आप मेरा बीम, मेरा सेशन देख पा रहे हैं मुक्ता जी? सर जो एक्चुअली आप लेकिन सर जो आप वीडियो प्ले कर रहे हैं इन लिंक के थ्रू, जैसा कि आपने अभी बताया, वो हमारी स्क्रीन पर एक्चुअली सर प्रेजेंट नहीं हो रही है। अगर आप एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो आप उनको सर जो भी लिंक में जो वीडियो होंगे आप हमारे दर्शकों को ऐसे वर्बली समझा दीजिए। आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? आप मेरा स्क्रीन दिखाइए, मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। तो सर आपकी स्क्रीन हमारे साथ शेयर है, लेकिन आपकी जो पीपी, आप जो हमारे पीपीटी आपकी है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ ये आया, हाँ जी सर ये हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हाँ जी, कि यहाँ से एक, यहाँ पर एक टेबल पर हमने एक मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, और इस प्लेन मिरर पर जब एक लाइट जा रही है, इधर से टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं और इधर से लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर से देखते हैं, और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है तो आप दे पाएंगे। आप एक लेजर लाइट ले लीजिए, लेजर ये तो टॉर्च लाइट है, एक लेजर को ले लीजिए जिसकी की बीम बिल्कुल सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी बीम जाती है और सीधी बीम परावर्तित होती है। आप डार्क रूम में करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा धुआं कर दें, बीच में थोड़ा सा धुआं कर दें, थोड़ा सा कैंडल जला लें, थोड़ी सी धूप बत्ती जला लें, एक चौक पाउडर छिड़क दें कुछ भी, या आटा छिड़क दें, कुछ भी करें, तो आप इन रेस को आते और जाते हुए साफ नजर देख पाएंगे, साफ देख पाएंगे। अब कोई बात नहीं, हम आगे चल। तो इस तरह ये जो लाइट देखिए यहाँ पर जो आई है, एक बीम है, ये इस बीम को आप देख पा रहे हैं अच्छे से, और इस ये लाइट परावर्तित होकर के आपकी आंख पर जा रही है। इसी तरह ये तो यहाँ पर मिरर की बात है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसी ऑब्जेक्ट को भी हम इसी तरह से देखते हैं। आप जैसे स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आपके कमरे किसी वस्तु को देख पा रहे हैं अपने कमरे में रखी हुई, तो वहां पर आपके ट्यूबलाइट से या सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो उस पर पड़ता है और वहां से वो परावर्तित होकर आता है। तो लाइट को आप अच्छी तरह से परसीव कर सकते हैं। तो मुक्ता जी मुझे लगता है कि मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है, आप इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो उसके उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम आज के विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने हमारे छात्रों को अच्छे से दिया है। मेरा अगला प्रश्न आपसे सर ये होगा, क्योंकि आज हम लाइट का ही हम ये टॉपिक हमारे सत्र में रहेगा, तो अगला जो आप हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाएं सर वो है रे ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं। जी देखिए, आप जब सूर्य से जो प्रकाश आता है वो बहुत सारी सारी दिशाओं में निकलता है, लेकिन आप टॉर्च से देखते हैं, एक टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसका प्रकाश एक तरफ जाता हुआ नजर आता है, सारी दिशाओं में नजर नहीं आता है, क्योंकि उसके पीछे मिरर लगा हुआ है और वहां पर हमने उस तरह की युक्तियां लगाई है, उस तरह के गैजेट्स लगाए हैं। लाइट का स्टार्ट फॉलिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। नाउ यू सी दैट दिस हैज सम थिकनेस, सो हियर यू हैव मेनी रेडिएशंस टुगेदर, वेन यू हैव मेनी रेडिएशंस टुगेदर लाइक दिस, like here we have shown three, but these are infinite number of radiations coming in, these are infinite number, here you are seeing three four, here you are seeing slightly more, but that is a different surface, but anyway, so when you have multiple beams, multiple rays, then you say it to be a beam, however it is, and when you have only one ray, only one means very infinitely small beam, infinitely narrow beam, then it constitutes a ray. Only one radiation. आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि किस तरह से रेडिएशन और किस तरह से बीम और रे का निर्माण होता है। Anyway, कोई बात नहीं, जब आप एक बहुत ही नैरो किसी भी बीम को बहुत नैरो देखेंगे तो उसको हम कहेंगे रे, और जब वो नैरो ना होकर थोड़ा थिक होगा तब हम उसको कहते हैं बीम, आंचल की भाषा में बहुत बीम।
अभी जो रिफ्लेक्शन की बात जो हम कर रहे हैं वो दो तरह से होता है। आप एक तो कुछ प्लेन सर्फेसिस पर देखते हैं, कुछ आप इरेगुलर सर्फेसिस पर देखते हैं। देखिए इस पहले वाले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें पहला स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, मीन्स आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल सीधी है, प्लेन है, और उस प्लेन पर सारे के सारे जो प्रकाश किरणें परावर्तित, मान लीजिए पैरेलल बीम्स आ रही है, ऑल द रेडिएशंस, ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट कंस्टिट्यूट्स अ बीम, बीम ऑफ लाइट, एंड देन इट इफ इट फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक एज आई हैव शोन यू इन माई अर्लियर एक्टिविटी, इन माई अर्लियर ग्राफ, earlier slide, that how can you perceive the light. So this is being reflected. Now you are seeing that a parallel beam which was falling on this plane is reflected back, or when it goes back then all the rays are again parallel. So a beam of parallel rays remains a beam of parallel rays even after reflection from the plane mirror or the plane surface. It's called a regular reflection or called a specular reflection. But when it happens that when the surface is irregular, मान लीजिए पानी की सतह पर आप हैं, पानी की सतह पर आप देख रहे हैं, किसी पानी के अंदर किसी पानी के ऊपर से कोई अपना परावर्तन देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरफेस है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इरेगुलर है। ये जो इरेगुलर सरफेस है और इस इरेगुलर सरफेस में जो पैरेलल बीम है वो लॉट जब यहाँ से परावर्तित होती है तो वो पैरेलल नहीं रह जाते। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो रेडिएशन लौट रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो आई होप दैट दिस, मुक्ता जी, आई होप दैट दिस मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन ए बीम एंड ए रे। बीम मीन्स ए मल्टीपल कलेक्शन ऑफ रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड ए रे मीन्स ए इनफाइनाइटली नैरो बीम, यानी सिंगल रेडिएशन इज देयर। वी कैन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सर। सर हम बात करें यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो सर हाउ कैन वी डिवाइज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाई इज इट मैंडेटरी और व्हाई डू वी नीड टू ड्रॉ अ नॉर्मल? ओके, दैट आई विल टेल। नाउ सी मेरे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं, आप बचपन से देखते आ रहे हैं इन लॉज। ये जो लॉज है, दीज लॉज आर लॉज, for that matter not on the law of reflection of light but the laws of reflection or laws of all laws in physics and chemistry, all laws in science are empirical in nature, means that these laws are being seen in are being observed through experiences only. We see multiple or infinite number of observations and we conclude those observations in the form of some patterns that it follows like that, and then we make laws. So these laws are immortal till we do not get any exception to it. Remember friends that all laws of science are dynamic in nature. Well, but as long as we see all experiments are verifying to these laws, we have a belief or faith in all those laws in science. Similarly, the laws of reflection, this law says the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Means here, if I consider only one beam, only one ray, which is in fact a beam, but if I consider a very infinitely narrow beam, that is a ray, when this ray falls on a plane mirror, which is a reflecting surface, so paravartak satah hai, jahan se ek ki rays aati hain, aur wahan se paravartit hokar dusri disha mein jati hain. To hum dekhte hain, यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो नॉर्मल आप इस प्लेन को की जो सतह है, इस प्लेन की सतह पर आप एक नॉर्मल खींचिए, एक इसके परपेंडिकुलर खींचिए, एक परपेंडिकुलर खींचिए, तो परपेंडिकुलर कोने पर इस रे का जो इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, दैट इज आई, दैट इज बीइंग सेट एज आई, एंड दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। Now, when it reflects back, it is being seen. However, we can tell that how it happens. But at this point, we are not going to inform you much about that how it happens. But it happens.
we are just summarizing the observations like this, that when this light beam falls on this plane mirror, it reflects back, it goes back, it is being bounced back, such that this angle, the angle from the normal, is which is called angle of reflection, and this beam, this ray is called reflected ray. This reflected ray, in practice these are beams, but if these beams are infinitely narrow, very narrow, very small, then we can say it to be a ray. And then we see that this angle of incidence is equal to angle of reflection. This angle of reflection we say as R. Now this is first law. This is considered as the first law of reflection. Okay. However, the second law, there is another law, that the laws, they all these, the plane where you have a reflected surface, where you have an angle of incidence, where you have a normal, and where you have an angle of reflection, all lie in the same plane. Means, suppose this is the, if it is the mirror, then the ray which is coming onto this is this, and then it goes back like this. So all these three, normal, incident ray, and the reflected ray, lie in the same plane. Now, the question was that, now if you can say, if you look back into this diagram, you can say, sir, if this angle is equal to this angle, I is equal to R, then this angle must be equal to this angle, because the normal means 90 degrees. Normal means perpendicular, means 90 degrees. Now this angle must be equal to this angle, so why should we draw normal at all? However, because this line is virtual line, this line has no meaning. Now, if you see that this angle is equal to this angle, well, this goes well if this plane mirror is a surface. It's not a surface, it's just a line. Now, if it is a surface, then if this is a surface, then to define the angle will be very difficult. Then remember, angle is a phenomena between two lines, not between a surface and a line. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप एंगल की परिभाषा को देखते हैं, कोण को देखते हैं, then you know it that the angle between two surfaces, two bodies is or two objects is always the angle between two lines. मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ. मान लीजिए एक सरफेस ये है, मेरे हाथ को देख रहे हैं आप, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, दो सरफेसेस हैं, इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं आप? अब क्या करते हैं, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच के एंगल को आप एंगल बिटवीन द टू सर्फेसेस कहते हैं. आप इन दो उंगलियों के बीच का जो एंगल है, वो इस दो सर्फेसेस के बीच का एंगल है. आप इस तरह से हमेशा देख रिमेंबर. तो फर्स्टली ये जो सर्फेस है, इस सर्फेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास मैथमेटिक्स की किताबों में पढ़ा है आपने, और आगे भी और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सिंपल पढ़ेंगे आप पाएंगे कि ए लाइन, a surface is always characterized by its normal. Number one. Number two. Now, if suppose this is an irregular surface. This happens to be an irregular surface. Okay. As we saw last time in last slide, the irregular surface means where we are seeing irregular reflection or diffuse reflection. Then what to do? Then there will be a problem. What to do? Then what we can do is, then what will happen, that at all different points, that to define this angle I will be different from one point to another point. This will be very, very difficult. You can't define if it is an irregular surface. So then, to combat all these reasons, we have to consider the angles from the normal and not from the surface. Basic thing is that an angle is between two lines, not between two surfaces. Angle is between two lines. Remember, always the angle is between two lines, not between two surfaces. Remember, this is the key point. And so we cannot take these angles. This 90 minus I is equal to 90 minus R. Of course, it will be equal to, but these angles will be different, will be very difficult to find out in at different points if the surface is curved or irregular surface. Because many tangents can be drawn at any point. On any curved surface. So in order to draw a tangent, we have to first draw the normal. So normal, tangent khichne ke liye aapko normal chahiye hoga pehle. So means normal is more fundamental than the tangent.
drawing normal is more, I conclude that by the drawing normal is more fundamental than by drawing tangent. Thank you, sir, for I hope you got the Yes, sir. That's what I was saying. Thank you for giving this solid explanation behind, you know, drawing it normal. यहाँ पे सर आपने बहुत अच्छे तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बता दिया, लेकिन सर मेरा अगला प्रश्न भी नहीं कहूँगी अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसी हमारे छात्रों को करके बताएं जिससे कि बच्चे और अच्छे से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था उसे समझ सके, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो इसकी वेरिफिकेशन को और बैकअप कर सके. वेरी गुड. वैसे तो लेबोरेटरी में ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कराते हैं हमेशा. लेबोरेटरी प्रोग्राम में एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी है कि टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन मैं यहाँ पर वहाँ पर हम पिनों के माध्यम से कराते हैं कि दो पिनें लगाते हैं और पिनों को हम देखते हैं. अक्सर उसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं. लेकिन आज के ज़माने में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है और गैजेट्स इतने आसानी से अवेलेबल हैं, लेजर्स, सिंपल टॉय लेजर्स बच्चे यूज करते हैं, और टॉय लेजर जो 20 या 25 रुपए का बाजार में मिलता है बड़ी आसानी से, वो सभी के पकड़ में है, सब लोग बच्चे आसानी से देख पाते हैं. तो बच्चों आप ऐसा करना, साथियों आप ऐसा कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आज ही आप करके देखिए. आप एक आईना लीजिए, मिरर लीजिए, एक मिरर को यहाँ पर बीच में खींच रख दीजिए, और यहाँ पर एक डी बना लीजिए, डबल डी, कंप्लीट डी है, डबल डी, जिसको कि हिंदी में हम चांदा बोलते हैं, एंगल प्रोटेक्टर, एंगल 0 to 360 degrees, पूरा प्रोटेक्टर बना लीजिए. यहाँ पर यह प्रोटेक्टर रख दीजिए, बना बनाया जो हो, आप हाफ, आपके पास हाफ डी हो, आप हाफ डी रख दीजिए इस मिरर के आगे, और इसको थोड़ा सा अंधेरे में कीजिए, और यहाँ पर पास में एक कैंडल जला लीजिए या धूपबत्ती जला लीजिए, जिससे कि यह सारी प्रकाश की किरणें आपको दिख सके. कैसे दिखती है, स्कैटरिंग के माध्यम से दिखती है. ये मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको देख पाते हैं. लेकिन स्केट आप अभी ये समझिए कि जब इस एक्सपेरिमेंट को करें तो आपको धूल, कुछ स्केटरिंग के धूल के पार्टिकल होने चाहिए जो कि आपको बड़ी आसानी से किसी अगरबत्ती, इंसेंट स्टिक या धूप बत्ती से मिल जाएंगे. आप धूप बत्ती एक पास में जलाएंगे बड़े आसानी से मिल जाएगा. डार्क रूम में कीजिएगा इस एक्सपेरिमेंट, थोड़े अंधेरे में, अगर परफेक्ट डार्क रूम ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से शेड में कीजिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में मत कीजिएगा, और कमरे की ट्यूबलाइट वगैरह ऑफ कर दीजिएगा जिससे कि दूसरा प्रकाश कम से कम हो. अब यहाँ पर एक डायरेक्शन में आप लेजर लाइट डालिए, आप ये रे आती हुई देखेंगे, ये हमने खींचा है अपने आप, ये कोई हमने ड्रॉ नहीं किया है डायग्राम, ये हमारा खींचा हुआ डायग्राम है, बनाया हुआ देखा हुआ डायग्राम है, लैब में खींचा हुआ डायग्राम है. आप इसको यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रे, और इस एंगल को आप इस तरह सेट करिए कि यहाँ पर नॉर्मल से आप इसका एंगल निकाल सकें. ये 90 डिग्री वाला एंगल है आपके डी पर. आप जब इसको रिफ्लेक्शन करेंगे, जब आप देखेंगे तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तब आप देखेंगे कि ये एंगल, आप इस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. आप जब इसको देखेंगे, यहां पर देख रहे हैं आप कि रफली 10 डिग्री के हैं दोनों, यहां पर रफली 10 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री का है. तो ये पहला लॉ आपका वेरीफाई हो गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर सत्यापित हुआ. सेकंड लॉ, जिसमें कि हमने कहा कि प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए प्लेन. यहाँ पर देखिए, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, और नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस है, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही प्लेन मिरर है, और उस पर जो नॉर्मल है वो ये लाइन है जिस पर कि मैं अभी अपना माउस, ये एरो चला रहा हूँ, माउस चला रहा हूँ, ये नॉर्मल है. इसी नॉर्मल से तो हम एंगल निकाल रहे हैं आई और आर, जो कि दोनों बराबर है, जो कि पहले लॉ में हमने देखा. अब आई और आर दोनों आप यहां पर देख रहे हैं, तो इस एंगल को अब आप ऐसा कीजिए कि इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, लेजर लाइट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाइए, तब आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी ऊपर चली जाती है. रिफ्लेक्टेड रे आपको इस सरफेस पर नहीं मिलेगी अनलेस. तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि तीनों चीजें आपको एक ही प्लेन में, एक ही तल में होना जरूरी है, एक ही तल में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको नहीं दिखेंगे. अगर आपने ये लेजर लाइट बिल्कुल कागज की सतह से छूते हुए रखी है, और अच्छी तरह से देखने के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, ये लेजर लाइट आपने कागज के तल से चिपकती हुई, छूती हुई जा रही है, बिल्कुल छूती हुई कागज की सतह से, और ये रिफ्लेक्ट हो गई तो कागज की सतह से ही रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी.
कागज की सतह से थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। देखिए ये कागज है, मान लीजिए ये एक पेपर है मेरे पास, तो अगर लेजर लाइट इस तरह से यहाँ पर फॉल कर रही है, बिल्कुल इस तरह से फॉल कर रही है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसी तल की सतह पर ही वो रिफ्लेक्ट होगी। और अगर इससे जरा सा भी ऊपर देखेंगे आपको तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, एक ही तल में, इसी कागज के तल में होंगे। तो ये इस चीज का वेरिफिकेशन है और आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी लैब में भी पिनों के माध्यम से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और लेकिन ये इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप सिर्फ लेजर लाइट से करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपने इतनी अच्छी तरीके से जो पहले आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, साथ ही आपने जो एक्टिविटीज़ के बाद जो बैकअप के एज इन बैकअप दी कि स्टूडेंट्स और अच्छे से समझ सके। हमारा मन तो बहुत है सर कि हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें, प्रश्न हमारे और भी हैं लेकिन हम उनको समय हमें इजाज़त नहीं दे रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अगले सत्र में इसी के जो हमारा जो लाइट का टॉपिक है उसको अपने अगले सत्र में जो प्रश्न हमारे रह गए थे उनको हम ज़रूर कवर करें। लेकिन सर आज के इस सत्र के लिए आपने अच्छे तरीके से आपने जो सर सेशन समझाया हमारे स्टूडेंट्स को, जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने यहाँ पे, अपने रे ऑफ लाइट पढ़ा, बीम ऑफ लाइट पर हमने डिफ्रेंसिएशन बताया, उसके लिए सर आपका एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना अच्छा सेशन हमारे स्टूडेंट्स तक डिलीवर करवाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और मैं हमारे छात्रों से, दर्शकों से यही कहना चाहूँगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने उर्दू के एक नए सत्र के साथ। अगला सत्र हमारा उर्दू का रहेगा। आप देखते रहिए पीएम विद्या चैनल। नमस्कार।